मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव होने के लिए, गिवन द एक्सपीरियंस यहाँ पे कनाडा में कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके। मेरा फ्रेंड जो इसी बिजनेस में है, तो मेरे पास ज्यादा रीजन है बिलीव करने के लिए कि ये सिर्फ एक झूठी कहानी है। अगर आप वंडर कर रहे हो कि कल का वीडियो इतना अब्रप्टली क्यों एंड हो गया, वेल बिकॉज घर पे आने के बाद इतनी लंबी ड्राइव करके जो हमारी फ्रूटफुल भी नहीं रही, करण कनिका हमारे घर पे आ गए, तो हम लोग बैठ गए थे बातें बातें करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे बिकॉज कनिका बिजी थी अपने यू नो पैजेंट वगैरह के इसमें कॉम्पिटिशन में, तो उस वजह से हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले, तो बहुत गप्पे मार रहे थे, तो उस वजह से फिर मैंने ना कैमरा निकाला ही नहीं। मैंने कहा चलो यार आज सिर्फ चिल करते हैं और घर पे बैठते हैं और यू नो आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, तो बस वो करते कराते इतना लेट हो गया, ऑलमोस्ट 12 बज गए थे कि सोते सोते, लेकिन मैं सुबह फिर भी उठा 5, इस बार आज लेट उठा, यूजुअली तो मैं उठ जाता हूँ 4:30 बजे, आज मैं उठा अराउंड 5:15 बजे और अपना जिम आया, क्योंकि यार दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड पता है क्या हुआ है, इस वीकेंड पे पूरा टाइम बाहर ही बाहर खाना हुआ है। सैटरडे के दिन पे बाहर खाना खाया हमने, उसके बाद में फिर संडे के दिन पे बाहर खाया, कल रात को पार्टी की तो उसमें बाहर हमने खाया, सो इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा बाहर बाहर का हो रहा था। एंड आई वाज लाइक यार बहुत हो रहा है, थोड़ा वर्कआउट पे ध्यान देना है। लास्ट वीक में भी सिर्फ 2 ही दिन आया था मैं जिम, बिकॉज मेरे हाथों में वो लग गया था तो बहुत दर्द हो रहा था, तो सिर्फ वेंचर थर्सडे आया, फ्राइडे नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की है कि वो कॉन्ट्रैक्टर आना चाहिए, क्योंकि काम जो है अटका पड़ा है, बैकयार्ड हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो उसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब ना ऑलमोस्ट गाड़ी में बैठ के मैं निकल चुका था, लेकिन मेरे को अचानक से फिर याद आया कि आंचल ने कल बोला था, आई थिंक कल नहीं उसके पहले बहुत 3-4 बार बोल चुकी है कि ये जो फ्लोर क्लीनर है वो खत्म हो चुका है, तो आते हुए लेके आना। लेकिन कल जिस तरह से उसने बोला, मैंने कहा यार, वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मैंने कहा नहीं 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 यार आज लेके जाते हैं घर पे, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ मैं। भाई कौन ले सकता है, बीवी से पंगे कोई ले सकता है क्या, बताओ मेरे को। अरे बाप रे, कितना बड़ा हो गया ये, खुद ही ब्रश करने लग गया। वेरी गुड टिकी डू डू, क्या के बोलता है यम्मी। उसको पेश पसंद आ रही है ना, हो गया डन कर लिया उसने, ऑलरेडी 5 मिनट कर लिए है। बाय द टाइम मैं साइड से करना, बाय द टाइम जब तक मैं कैमरा उठाऊं और रिकॉर्ड करूं तब तक उसने कर लिया था वैसे, बट आई एम सो हैप्पी वो करने लग गया है। वाह, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, किसी तो सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि तुम इतने बड़े बड़े नाखून कैसे रखते हो, फिर क्या कर रहे हो। अभी उसका जवाब दे रहे हो कि अब नहीं रख रहे हो। क्यों नहीं रख रहे हो, मगर बहुत बड़े हो गए थे अभी, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है, तो आई वाज वेटिंग कि मैं निकालूं, लगा अपने आप निकल जाएंगे, बट नहीं, तो अभी ओहो गए भाई सारे नाखून गए। कितने $70-80 कितने लगते हैं इसके, $70-80 गए मतलब। कब कराया था, 38। देखो हम मेन कितने सिंपल है, हम लोग ऐसे कोई खर्चे करते ही नहीं है जो हम लोगों को बाद में जाके उसको वेस्ट करना पड़े, मतलब ऐसे यूज किया एंड देन उसको हमने मतलब काट दिया या फेंक दिया, मेन कितने सिंपल है। नो आई थिंक नो, तुम लोग दाढ़ी कराते हो 1 हफ्ते बाद आके जाती ना, इसलिए तो घर पे करते हैं ना, और इसलिए तो हर बार, मैं कुछ बोलने वाला था, इसलिए तो हर बार पंगे होते हैं। जब लास्ट टाइम मैं मोटरसाइकिल राइड कर रहा था, घर पे करने की कोशिश कर रहा था, तो तब क्या हो गया, पूरा पूरा शेव हो गया था, तो लेकिन मैंने हर बार सोचता हूँ मैं कि मैं बाहर ही कराऊंगा, घर पे नहीं कराऊंगा, बट हर हफ्ते कोई बाहर नहीं जा सकता है यार, इट्स वेरी अनोइंग। मैं हर हफ्ते नहीं कराती हूँ, बट तुम ऐसे करा तो ना, इसलिए मैं घर पे करता हूँ। और इस बार मैंने सोचा है, कल मैं आचल को बता रहा था, मैं अपने पुराने वीडियोस देख रहा था जब मैं बाइक राइड पे गया था, जब मैंने दाढ़ी बहुत कम कर दी थी, मुझे लगता है कि आई थिंक वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, रादर देन जब मैं यूएस गया था और तब मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ मुझे पर्सनली लगा और आंचल ने भी अग्री किया ये बात। हाँ, वापस से देखो यूएस वाला वीडियो और वापस देखो बाइक राइड वाला, नॉट पूरा वीडियो बट एक क्लिप देख लेना और कमेंट जरूर करना है यार, थोड़ा हेल्प कर देना कि भाई कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है दोनों में से। एंड अगर आप देख रहे हो बाल, हाँ बहुत बढ़ गए हैं, मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ इसको कटाने का, मैं एक्चुअली कटाने का भी नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि इसको बढ़ाऊं, ठीक है, कि थोड़ा लंबे बाल हो, वॉल्यूम अच्छा हो, बट ना यार वो जो ग्रोइंग फेज रहता है ना वो बहुत ही गंदा फेज रहता है, उस वक्त बहुत गंदे लगते हैं बाल, बट आई एम ट्राइंग टू मेक डू विद व्हाटएवर इट इज, जैसा लग रहा है अब आई थिंक इट्स ओके। आज भी फोन नहीं उठा रहा है, इतना इरिटेट हो रहा हूँ ना मैं, इतना इरिटेट हो रहा हूँ ना मैं। देखो अभी टाइम हुआ है 10, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 में 5 मिनट कम पड़े हैं, फोन नहीं उठा रहा है और ना ही बंदा आया हुआ है अभी तक। मैं आई डोंट वांट टू रैंट अबाउट दिस, बट ये मेरा एक्सपीरियंस मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा जब एक्सपीरियंस होता है ना तो फिर बंदा किसी को रेकमेंड करता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एंड आई डोंट वांट टू बी सो हार्श ऑन हिम, बट आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, राइट। मतलब एक होता है कि बंदा काम कर रहा है, काम में ओके है, और अगर वो डेडिकेटेड है, कमिटेड है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो बंदा बोलते चलो ठीक है यार, यहाँ तो काम भी मतलब ठीक है, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी बैड, ओके, बट एट द सेम टाइम कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है यार, इट्स वेरी अनोइंग। आई डोंट वांट टू रैंट अबाउट इट अगेन,
आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोना से। अब जब वो आएगा तब मैं बताता हूँ आपको कितने बजे आता है। हमारा 10 बज गए हैं, ऐसे तो हमारा प्रोजेक्ट बस डिले ही होता जा रहा है। एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। कल के दिन पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ऑनेस्टली बताऊँ कल का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा था, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्टर एट द एंड ऑफ द डे तक नहीं आया, तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था। एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यार हम लोगों का समर्स बहुत छोटा होता है यहाँ पे, अगर काम ऐसे डिले होगा और अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो नहीं आएगा तो हम लोगों का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डिले होता जाएगा, और हम लोग लिटरली जिस चीज के लिए हम लोग ये बना रहे हैं समर एंजॉय करने के लिए, तो वो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट आज सुबह का माहौल कुछ अलग था, जो आई थिंक आंचल बताएगी। आई थिंक आज सुबह, क्योंकि कल शाम को ओमकार की उससे लकीली उसका SMS आया और ओमकार से उसकी काफी बात हुई, थोड़ा वेंट आउट भी हुआ, थोड़ा बात भी हुई, एंड देन ही सेड कि मैं कल सुबह आ जाऊंगा 9 बजे, जहां की हमें उम्मीद नहीं थी कि वो 9 बजे तक लिटरली आ जाएगा। बट डॉट 9 बजे ही एंटर्ड एंड हम लोग दोनों सरप्राइज हो गए थे एंड इनफैक्ट खुश थे कि यार चलो काम शुरू होएगा। तो लकी फॉर अस आज का दिन अच्छा है, ट्यूजडे एंड ही इज वर्किंग नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 4-5 गलतियां की हैं जब से ये काम शुरू हुआ है, जो मैं अपनी ये गलतियों को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ थोड़े टाइम में, ताकि आप लोग को भी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या आप लोग अवॉइड कर सकते हो अगर आप लोग ऐसा कोई काम करवा रहे हो। आई थिंक वो मैं किसी एक अगले वीडियो के लिए छोड़ूंगा। अभी तो मैं फिलहाल सिर्फ खुश हूँ और बहुत ज्यादा ये सोच रहा हूँ कि यार बस काम खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी काम खत्म हो। अभी फिलहाल उसने बोला है कि वो 4 दिन में काम खत्म कर देगा, तो लेट्स सी। अभी आज सुबह सुबह वो आ गया था, जैसे बताया आज चलने 9 बजे शार्प, अभी का टाइम हुआ आई थिंक अराउंड 11:30 बजे, और वो जाके वुड वगैरह ले आया था। तो यहाँ पर ये रहा वुड, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये सारा वुड आ गया है और यहाँ पर डेक बनने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर बनेगा डेक। तो जैसे आई थिंक हमारे एक सब्सक्राइबर है निलेश, उसने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ था कि यहाँ पर डेक बनेगा। सो निलेश, मैंने पिछले बार भी बोला था और मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया है कि भाई यू आर करेक्ट, लास्ट टाइम भी जब हम लोग US जा रहे थे यू गेव द करेक्ट गेस, यू गेव द करेक्ट आंसर, इस बार भी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर डेक बनने वाला है। और जैसे आंचल ने बताया आप लोगों को कि ये बंदा आज सुबह सुबह 9 बजे आ गया था, इसने पता है क्या बताया, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन पे कॉन्क्रीट करके गया था, सैटरडे के दिन पे बोला आऊंगा नहीं आया, संडे के दिन पे बोला आऊंगा नहीं आया, मंडे के दिन पे बोला आऊंगा नहीं आया, कल के दिन में मैंने कम से कम इसको 20-25 कॉल किए थे, रिप्लाई नहीं कर रहा था कॉल्स का। शाम को जाके उसने खाली एक मैसेज कर दिया कि मैं आऊंगा कल के दिन, मतलब ट्यूसडे के दिन पे। सो जब आज सुबह आया है वो सबसे पहले आके बोलता है सॉरी सॉरी ये हो गया वो हो गया, एंड रीजन दिया उसने मेरे को कि उसकी वाइफ जो है वो बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो 3 बच्चे उसके हैं, उन बच्चों को वो संभाल रहा था घर पे, जो मैंने एक बार के लिए मान भी लिया। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो इसी कंस्ट्रक्शन या ये कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में ही है यहाँ पर कनाडा में, और वो मुझे बोल रहा है कि 100% ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का यहाँ पर बहुत डिमांड होता है, एंड बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लेते हैं। आज यहाँ पर 3 दिन काम किया उसने, तोड़मताड़ी की, पैसे ले लिए, एंड देन उसके बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा, जहाँ पर दूसरी जगह है वहाँ चला जाएगा, वहाँ पर थोड़ी तोड़मताड़ी करेगा, यहाँ के बंदे को वेट कर देगा क्योंकि उसके पास तो पैसे आ गए हैं। अब अगर मेरे घर में कुछ सामान टूट चुका है या समझो मेरा अगर बैकयार्ड टूट चुका है, तो ऑफकोर्स मैं किसी और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बुलाऊंगा, मैं उसका वेट ही करूंगा, चाहे वो 1 दिन लेट आए, 2 दिन लेट आए या 4 दिन लेट आए। तो मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव होने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो शायद सच में झूठ बोल रहा है, हो सकता है कि वो शायद सच बोल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन गिवन द एक्सपीरियंस यहाँ पे कैनेडा में कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके, स्पेशली ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस लेके, और मेरा फ्रेंड जो इसी बिजनेस में है, तो मेरे पास ज़्यादा रीजन है बिलीव करने के लिए कि ये सिर्फ एक झूठी कहानी है एंड ऐसा नहीं है कि यू नो सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी। बट चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देता हूँ कि हो सकता है शायद वो जेन्युइनली उसकी वाइफ बीमार हो और वो बच्चों को संभाल रहा हो, चलो उसको भी अगर मैंने मान लिया, तो अभी यहाँ से उसने मेरे को बोला है, एटलीस्ट मेरे को ये खुशी है कि वो आज सुबह सुबह आ गया, बिकॉज मेरे को मेरा जो फ्रेंड है उसने ये भी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे भी हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं और फिर तुम उनको पीछे चेस करते रहो एंड कोई भी बंदा नहीं आएगा कुछ भी काम करने के लिए, वो पूरा पैसा जो है वो नुकसान हो जाता है। सो एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूं कि ये बंदा आ गया है, ही हैज शोड अप, और अभी बोला है उसने 4 दिन में काम खत्म करेगा, तो अभी मैं वेट करूंगा, 4 दिन में काम अगर खत्म हो जाएगा तो देन मेरे पास ज्यादा रीजन होगा इस पे बिलीव करने के लिए। अगर 4 दिन में खत्म नहीं करता है और अगर ये आगे पीछे कुछ वापस करता है जेन्युइनली, अगर रोज आता है और काम करता है, मुझे दिख रहा है कि 4 का 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन अगर अभी वापस 2 दिन आते हैं और अंदर गायब हो जाते हैं, देन आई हैव ऑल द रीजन टू डाउट कि भाई ये जो बंदा पहले बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। बट अभी के लिए आई एम हैप्पी। और जब से ये काम शुरू कर दिया बंदे ने, टूटू ने यहीं पर कुर्सी लगा के बैठ गई है टूटू, शी इज लाइक मेरे को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना टूटू, आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड, सिर्फ फॉलो
कितना हुआ है और आपको भी दिखा देता हूँ कितना काम हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर ये फ्रेमिंग वगैरह कुछ बन गया है और ये इसके लेग्स वगैरह जो है वो बना दिया है, अभी उसमें पोस्ट में डालेंगे। वैसे ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये मिट्टी जो खोदी हुई थी, जो पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया है मिट्टी को। अब इसको यहाँ पर लगाएंगे, अब इसको यहाँ पर उठा के लगाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। वैसे बारिश आज फोरकास्ट में थी नहीं, लेकिन हो गई है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये जो भी वुड है ये प्रेशर ट्रीटेड वुड है, तो ये बारिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वेदर्स ऐसे होते हैं तो वुड मैन्युफैक्चरर्स भी वुड ऐसा बनाते हैं इसमें केमिकल्स डाल के, ताकि बारिश हो, स्नो हो, ऐसे सिचुएशन में भी ये वुड ख़राब नहीं होएगा, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नॉट कि लाइफ टाइम रहेगा, बट हाँ ऑफकोर्स काफ़ी सालों तक चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। क्योंकि काम शायद जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए इसने अपने एक हेल्पर को भी बुला दिया है, ताकि ये हेल्पर भी इसके साथ हेल्प करेगा तो काम फास्ट होएगा। जैसे इसने मेरे को बोला हुआ है कि 4 दिन में ये ख़त्म कर देगा, मैं बहुत ही फिंगर्स क्रॉस करके होप कर रहा हूँ कि ये 4 दिन में ख़त्म हो जाए, ताकि जो पूरा बैकयार्ड है हमको अपने यूज करने के लिए मिले। एक्साइटमेंट 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 और भर भर के एक्साइटमेंट, क्योंकि हमारा डेक हो गया है रेडी, नॉट कंप्लीटली रेडी लेकिन रेडी। आपको दिखाता हूं दिखाता हूं दिखाता हूं, देखो 1 2 एंड क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। वैसे अभी रेलिंग बची है और थोड़ा पीस वुड खत्म हो गई थी उसके पास, तो अभी इसका पीछे से जो नीचे जो बाउंड्री है वो देनी है, यहाँ पे रेलिंग देनी है, वहाँ पे स्टेयर्स देनी है, तो तब जाके ये पूरा होएगा। तो अभी है काम, मोस्ट लाइकली ये कल शायद पूरा कर देगा उसने बोला है तो, बट इट लुक्स नाइस। एटलीस्ट वो गंदा मिट्टी में कूदने का वो मन तो नहीं कर रहा था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये कुछ तो आ गया। हाँ, वहां से निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी ना, अभी एटलीस्ट निकलना हाँ, तो सॉल्व हुआ वो। और काफी ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा स्पेस है, कितना बड़ा सारा स्पेस हो गया। हाँ रुको मैं पीछे जाके दिखाता हूँ, बताओ कितना सारा स्पेस है। अरे वाह, मेरे को खुद को भी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया किया है उसने काम। देखो काम, आई थिंक मैंने पहले ही बोला ना, काम करने में बढ़िया है, ऐसे बुरा नहीं है बंदा, काम बढ़िया करता है, बस एक कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि हो गया। क्या बोलते हो, एटलीस्ट हैप्पी? मैं ऊपर आके बात करता हूँ, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि हो गया। आई टू आई बात कर, आई टू आई, हाँ लेवल पे आके, वरना वहाँ नीचे लग रहा था ना। तो मैं जैसे बता रहा था कि आई एम हैप्पी कि चलो ये हो गया अपना काम, अभी बस यही है कि करता रहे काम। हमने एक और काम ऐड करवा दिया है, हमारा पहले कुछ प्लान था जो मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में, आई थिंक कल परसों में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक और नया काम ऐड करवा दिया तो उसको उसने चार्जेस बढ़ा दिया है, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज वो कर देगा ना काम, टाइम पे करेगा, बस वो चाहिए अपने को। क्योंकि यार देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ उर्सियाँ लगा के बैठा जाए, मज़ा आ जाए उसमें, थोड़ा ऐसे धूप से के यहाँ बैठ के काम करें, मतलब फ्राइडे फ्राइडे तो मेरा कंफर्म है, मैं यहाँ बैठ के काम करने वाला हूँ। वैसे बैठ सकते हो, मैं यहाँ कर दूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो। अच्छा, जो तुमने मेरा, इसने ना वो मेरा ऑफिस रूम का कब्जा किया हुआ है ना तुमने, तुम्हारा ऑफिस रूम नहीं है, हमारा ऑफिस रूम है, हमारा ऑफिस रूम है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ तुम ही यूज कर रहे हो ना। एग्जैक्टली, चलेगा, मैं नीचे ही बैठूंगा, मैं यहाँ पे अपना काम करूंगा। देखा कैसे चीटर हो ना तुम, मैं बाकी तुम बैठ सकते हो, खाली गर्मी में बैठूंगी बस। वाह, तो फिर ठंडियों में तो तुम ही बैठना फिर। वैसे तो मैं यूजुअली फ्राइडे को वहाँ पर, जहाँ पर वो आप देख रहे हो वहाँ पर जो हमारा वो सेट लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ बैठ के काम करता हूँ एवरी फ्राइडे फ्राइडे मोस्ट प्रॉब्ली तो, लेकिन अभी ये अपनी नई जगह, नया फेवरेट स्पॉट बन रहा है, सुबह सुबह की कॉफ़ी यहाँ बैठ के पीने में क्या मज़ा आएगा यार, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। बस अभी अब इसमें जैसे बताया इसमें रेलिंग वगैरह लगेगा, वो बोल रहे हैं 3 दिन में हो जाएगा काम, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मोस्टली लाइक फ्राइडे को पूरा डन होना चाहिए बैकयार्ड, अगर हो जाए तो वीकेंड सुधर जाएगा यार। आई स्वेयर, फिर से एक बार दिखाते हैं, वो कितना मस्त लग रहा। अच्छा, ये नीचे से कवर करेगा ना, उसने बोला था, नहीं बोला मैंने, वो कमेंट हां हां अभी मैंने आपको पूरा नीचे मिट्टी दिखती है, हां नीचे कवर करना है, ये कंप्लीट करना है जो बचा कुछ है, एंड देन रेलिंग एंड सीढ़ी डालनी है। ऑसम, मैं तो वेट कर रहा हूं जो कि तीर्थ आएगा उसका कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन तीर्थ के आने से पहले आजकल टूटू को नहीं दिखाया, जल्दी जल्दी टूटू को भेजो, टूटू भी देख ले और उसका भी रिएक्शन देखिए उसको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बुला उसको, आजा आजा बाहर आजा, आ गए आ गए, टूटू आ गए, आ जाओ। वो हाउ इज इट, ओ यू थॉट इट्स गोना बी स्टेयर्स, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? लुक्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। पूरा टाइम पता है पूरा टाइम वहीं पे बैठी हुई थी और वो देख रही थी कैसे बन रहा है कैसे बन रहा है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था ना उसका, शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू वॉच द होल थिंग, पूरा नहीं देख पाई
काफी देर देखा उसने, देन मतलब बोर हो गई तो वो चले गई, बट एटलीस्ट वो एक्साइटमेंट जो थी ना वो मुझे उसके आंखों में साफ दिख रही थी। एंड यार आपको आपको भी मेरे आंखों में दिख रही होगी एक्साइटमेंट, आपको भी दिख रही होगी कि भैया हम कितना ज्यादा खुश है क्योंकि यार काम कंटिन्यू हुआ है। यार ये बहुत बड़ा टेंशन था, बहुत बड़ा डर था, वो उतर गया अपना एटलीस्ट। अभी तीर्थ भी आ गया है डे केयर से, और तीर्थ के लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है क्योंकि तीर्थ को, जैसे आपको पता है कि तीर्थ को आदत है, वो जब भी डे केयर से आता है और वो नाश्ता करता है वो बाहर आके बैठता है, और पिछले कुछ दिनों से वो बाहर आके नहीं बैठ पा रहा था, तो अभी हम लोग उसको दिखाने वाले हैं, उसको लेके आओ, अभी उसको दिखाने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि देखता हूं मैं उसका रिएक्शन कैसा है, वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा मुझे लगता है। ये आ गया आ गया आ गया। टिकी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये? उसको कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा लगता है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बदला है। वाह वाह टिक्की, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके हम उसके माँ बाप ने इतना खर्चा किया, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो खाली भाई अपना आराम से बैठा हुआ है भाई। व्हाट इज दिस, अभी समझा अभी समझा, क्या है ये, क्या है ये, क्योंकि पहले वो यहाँ से सीढ़ी से उतर के नीचे आके बैठता था ना नाश्ता करने के लिए, और यही टाइम पे बैठता था, अभी यहाँ पूरा जगह मिला है उसके पास बैठने के लिए। इज इट नाइस, नाइस, आर यू हैप्पी? देखो नाश्ता, अपना नाश्ता लेके आ गया है वो। इज इट दिस, डू डू, ऐसे करो ऐसे करो, अरे वाह कितना खुश हो गया ना, सो नाइस सो नाइस, हैप्पी। चलो तो फिर आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, इसे लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, अगर कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स यूज़ करके कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।